हेलो दोस्तों मैं सौरम बलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी और रेलवे के लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसमें हम करीब करीब 500 जी के क्वेश्चन कवर करेंगे तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना अपने सभी दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स तो में शेयर करिएगा दोस्तों अगर आप अनकेडमी पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक एस एस सी बैंक रेलवे यू पी एस सी यूपी ट्रिपल एस सी डिफेंस डी आर डी ओ पुलिस पटवारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको रेफरल कोड यानी कि जो डिस्काउंट कोड है वो यूज़ करना है स्टडी टैन इस कोड को लगा के आप अनएकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी ठीक है और ज्वाइनिंग प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पे जितने मंथ का आपको कोर्स लेना है सेलेक्ट कर लेते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है बट उससे पहले आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है स्टडी टैन जिससे कि आपकी फ़ीस कम हो जाए और आप जो फ़ीस है वो सिक्स थाउजेंड से कम हो, हो गई फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड होगी आपके पास कुछ कॉइन्स होंगे उनको भी अप्लाई कर देना तो और भी कम हो जाएगी ठीक है और दो दोस्तों आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं अन पर जाके सौरम मलिक नाम सर्च करके जहाँ पर अभी तक सिक्सटी प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को और प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं ऑफ ओफ टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसका आंसर बताइए बिल्कुल दोस्तों ग्रुप हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देखिए ग्रुप कितने होते हैं दोस्तों ग्रुप होते हैं आपके 18 पीरियड कितने होते हैं सात पीरियड होते हैं सीरीज कितनी होती है 20 सीरीज होती है और ब्लॉक आपके फोर होते हैं ये सभी को पता ही होगा ठीक है तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है एग्जाम में इनमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है समूह सत्रह के तत्वों को दोस्तों क्या कहा जाता है फटाफट से आंसर बता दीजिए बिल्कुल इसको कहा जाता है हेलोजेंस यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक आर आपसे पूछा गया डी खंड में समूहों की संख्या कितनी होती है वेरी गुड देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टेन यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु क्रमांक एक सौ अट्ठारह वाले अंतिम तत्व का नाम रखा गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑर्गेनसन यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ठीक है वेरी गुड देखिए आपको ना हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है और यार एक बार लाइक वाइक शेयर वेयर कर दो ठीक है जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं शेयर तो कम से कम कर ही दीजिए सर्वाधिक घनत्व का तत्व है एलिमेंट विद मैक्सिमम डेंसिटीज बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये रेलवे में भी आ चुका है एसएससी में भी और कई दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन किस तत्व का कंथनांक सबसे कम है विच एलिमेंट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वेरी गुड इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हीलियम हीलियम इज द राइट आंसर तो यह आपको याद रखना है भाई ठीक है और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अन पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो स्टडी टेंट को ला के ज्वाइन कर सकते हैं उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है एलिमेंट विद हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज बिल्कुल सही है दोस्तों हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो एलिमेंट है वो टंगस्टन है यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन चले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु क्रमांक एक से स्थान तक के तत्व प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं तो गाइज एक से लेकर के नाइन्टी फोर तक चौरानवे तक, तक के एलिमेंट प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सी मार्क कर देंगे वेरी गुड अगला क्वेश्चन है सुएज नहर खुलने तथा गांधी जी के जन्म के वर्ष ही खालिस्तान ने पहली पहचानी जा सकने योग्य आवर्त सारणी को प्राकृत प्रकाशित किया था बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैनलिव इसका सही आंसर रहेगा ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है डन well चले अगला क्वेश्चन आता है पहले ज्ञात तत्वों की संख्या अधिक नहीं थी फ्रांस की क्रांतिकारियों के हाथों मारे जाने वाले पहले किसने 1789 में 33 तत्वों की सूची प्रकाशित की थी बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंटोनी यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर और ये दोस्तों फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है तो ये जरूर आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है समूह एक से अट्ठारह को क्रम अनुसार खालिस्तान से खालिस्तान तक कहा जाता है बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मेटल्स नोबल गैसेस यानी कि ऑप्शन आपका राइट e आंसर -right हो जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ऊपर से नीचे आने पर प्रायक्रम होता है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड विद्युत धनात्मक कम होती है विद्युत धनात्मकता दोस्तों कम होती है बिल्कुल बॉटम टू अप और लेफ्ट टू राइट तो दोनों रहेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है दोस्तों इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है रिमेन कांस्टेंट रहती है देयर इज नो जनरल ट्रेंड गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डिक्रीज ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट है चालकोजन में आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है ये काफी स्टूडेंट का गलत गया है, तो नोट कर लीजिएगा किस तत्व की सर्वाधिक विद्युत ग्रहता होती है विच एलिमेंट है हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशेंटी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फ्लोरीन यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा वेल डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे बाहरी कक्ष में जाने की बजाय दूसरी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन किन तत्वों में जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल वेरी गुड वेल डन देखिए कॉपर यहां पे काफी स्टूडेंट ने आंसर किया है कॉपर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रेडियस इन डी ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है बिल्कुल दोस्तों यहां पे जो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज वाला केस है यानी कि ऑप्शन आपका डी रहेगा चलिए अगला क्वेश्चन आता है डी खंड के तत्व के यौगिक किस वजह से रंग दिखाते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ट्रांजिशंस यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये हो गया ना बी राइट आंसर हो जाएगा भाई सॉरी 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 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा वो वाला तो हो चुका था ना ये वाला था ना हाँ ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका द लो ऑफ ऑप्टिव वॉज गिवन बाय बिल्कुल जल्दी से बताइए न्यूलैंड्स दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और जो कि बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसने सुनिश्चित किया कि मैनलीव की सारणी में परमाणु की भार की उपेक्षा उनके नाभिक का आवेश का क्रम ही आवर्त सारणी के लिए सही रूप है ये किसने दोस्तों सुनिश्चित किया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोसले ने बिल्कुल सही है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है भाई ठीक है गाइस चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम कुछ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे ठीक है ना यहाँ पे क्वेश्चन है विटामिन शब्द का पूर्ण रूप होता है क्या होता है विटामिन का पूर्ण रूप क्या होता है वाइटल अमिन्स यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा ये आपको याद रखना है भाई बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है नेक्स्ट है विटामिन का क्या होना जरूरी नहीं है बिल्कुल डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आमिंस यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है विटामिन बी फोर बी एट बी टी एफ जी एच आई जे एल एम एन आदि नहीं होते क्योंकि बिल्कुल दोस्तों क्योंकि ये आप तीनों रीजन पढ़िए ड्यू टू एनी ऑफ द एब रीजन यही कारण है तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं ठीक है निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं विटामिन आर वॉटर सोलेबल तो विटामिन आपका बी और सी जो है दोस्तों ये जल में घुलनशील होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर आप ऑप्शन बी लगाएंगे वेरी गुड अगला क्वेश्चन है आधिकारिक रूप से माने जाने वाले विटामिन के अलावा खालिस्तान को भी कुछ स्रोतों द्वारा चौदवा विटामिन माना जाता है बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भी क्वेश्चन जितने भी हैं सारे एग्जाम में आए हुए पूछ रहा हूं तो इम्पोर्टेंट तो ये है ही हो इसलिए निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है डिमेंटिया दोस्तों विटामिन नहीं है तो यहां पे आप ऑप्शन डी लगाने वाले हैं ठीक है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी वन की कमी से हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेरी तो राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम क्या है तो विटामिन बी वन का दोस्तों वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम थाइमिन है यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा सी विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोफ्लेविन यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर और देखिए यहाँ पे नाइसिन दोस्तों विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है ये भी मैं बता देता हूँ बी थ्री का और पायरोडक्सिन जो ये होता है ये बी सिक्स का होता है बायोटीन होता है बी सेवन का तो ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है चले नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था विटामिन बी थ्री जिसका केमिकल नेम क्या है नाइसिन यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड दोस्तों ये बी नाइन का होता है बी नाइन बायोटीन का मैंने अभी बताया था बी सेवन ठीक है ये याद कर लीजिए आप क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और ये अभी मैंने बताया था बी टू के लिए चलिए नेक्स्ट पेंटोथेनिक अमल किस का दूसरा नाम है तो ये दूसरा नाम है विटामिन बी फाइव का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया किसकी कमी से हो सकता है तो एनीमिया दोस्तों कैन बी कोज ड्यू टू डेफिशियं ऑफ विटामिन बी सिक्स डेफिशियं ऑफ विटामिन बी नाइन डेफिशियंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ऑल ऑफ क्वेश्चन का आंसर आएगा नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साइनो कोबालामाइन यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर नेक्स्ट है अति विटामिनीकरण का अर्थ होता है तो गैज इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ विटामिन्स तो यहां पर सही आंसर आपका बी बन जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट है स्कर्वी के इलाज की खोज किसने की कोशिका में जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किस की खोज हो गई तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है सॉफ्ट ड्रिंक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है सॉफ्ट ड्रिंक इज द राइट आंसर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेंटेनी इन्फेंट यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट है प्रजनन क्षमता हार्मोन कौन सा होता है विच विटामिन इज नॉन एज फर्टिलिटी विटामिन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ई यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सोलेबल तो जो फैट में घुलनशील नहीं है वो विटामिन आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट है विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर तो सभी को बताया रक्त का थक्का जमाने के लिए ठीक है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रेट सॉरी रेट नहीं होगा यार डेफिशिएंसी ऑफ विचामिन which... हाँ रेयर होगा ऑफ विच विटामिन इज रेयर तो विटामिन ई e की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है Mauritania को किस देश से आजादी मिली, so right मिली थी तो व्हाट इज द राइट आंसर मोरिटोनिया को किस देश से आजादी मिली थी तो रशिया से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रशिया नेक्स्ट है फॉर्च्यून 500-2019 रिपोर्ट शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है चले नेक्स्ट राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कहाँ शामिल किया गया तो गाइज ये शामिल किया गया बाकू में यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर नेक्स्ट है बेपी कोलंबो मिशन किस ग्रह से संबंधित है तो गैज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर भारत का प्रथम नियंत्रक और लेखा परीक्षक कौन था इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वी नरारी राव यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं फिर से बता दूं कि आप अगर अन पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं फॉर ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों कोई किसी भी एग्जाम के लिए आपको डिस्काउंट कोड जो अप्लाई करना है वो स्टडी टेन लगाना है ठीक है इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जिस भी कैटेगरी में आप इसको लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और जितने भी एजुकेटर उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सबके कोर्सेज आप देख पाओगे नेक्स्ट है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी द्वारा लिखी लिखित पुस्तक है तो इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशांक यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड नेक्स्ट है नव कला कुरुचि जिला किस राज्य में स्थित है नव कला जिला किस राज्य में स्थित है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु में ठीक है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया देश का पहली पहला हाथी पुनर्वास केंद्र दोस्तों खोला गया है केरल में तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन वन हो जाएगा रानी अबक्का फोर्स किस शहर से संबंधित है रानी अबक्का फोर्स रिलेटेड टू विच सिटी तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बिहार का पहला स्टार्टअप हब कहाँ स्थापित किया गया है Where बिहार फर्स्ट स्टार्टअप हब हैज बीन स्टेबलाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पटना हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है कुंवर सिंह की मृत्यु वर्ष खालिस्तान में हुई की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी बिल्कुल अट्ठारह में यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यार अपने ग्रुप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्ना का निवास स्थान स्थित है कहाँ पर जिन्ना का निवास स्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो ये निवास स्थान दोस्तों स्थित है कराची में ठीक है ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगते लगे हुए हैं तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार राज्य नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा का नई नया प्रतीक खालिस्तान द्वारा डिजाइन किया गया है भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक खालिस्तान द्वारा डिजाइन किया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तान द्वारा बदला जा सकता है किसके द्वारा बदली जा सकती है दोस्तों बाय पार्लियामेंट यानी कि संसद द्वारा तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न और मैक्सेस पुरस्कार कब दिया गया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाइनटीन नाइनटी एट एंड नाइनटीन सिक्सटी फाइव यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है वॉट इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान तो दोस्तों तिरंदाजी भारत का और सॉरी भूटान का नेशनल गेम है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सत्रह मई को ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा महाद्वीप आर्कटिक सर्कल से नहीं गुजरता है कौन सा महाद्वीप आर्कटिक सर्कल से नहीं गुजरता है तो गाइज अफ्रीका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कौन सा देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है दोस्तों कौन सा देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूएसए राइट आंसर इज ऑप्शन डी भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता हाई कोर्ट यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जिकिया किस नदी का प्राचीन नाम है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों व्यास हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और आप बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल शासक कौन था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा शाह आलम ठीक है ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक के लेखक कौन है वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है नटवर सिंह ठीक है राइट आंसर है ऑप्शन बी नटवर सिंह चले अगला क्वेश्चन पैथोलॉजी के जनक कौन है पैथोलॉजी के जनक कौन है बिल्कुल सही दोस्तों रेडोल्फ यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत दोस्तों कितना होता है गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत कितना होता है तो एट्टी एट परसेंट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन थे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तिराज सिंह ठाकुर यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा वेरी गुड सक एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है राइट आंसर हो जाएगा दो सौ इकतालीस का यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया कहाँ स्थित है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यह स्थित है डरबन में यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दर ए महर प्रार्थना स्थल है दरे मेहर प्रार्थना स्थल है पारसी का किसका दोस्तों पारसी यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है किस गुप्त शासक के सिक्के पर अश्व पूजा करते हुए उसकी पत्नी का चित्र मिलता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र गुप्त इनकी राइट आंसर ऑप्शन बी किस गुप्त शासक को सरकारी की पदवी मिली तो ये पदवी मिली है चंद्रगुप्त द्वितीय को यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट केंद्र राज्य संबंधों की पुनः जांच के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया था तो गाइज ये आयोग स्थापित किया गया था पुंछी आयोग यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के राज्य में विभिन्न अलगाववादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित मिलान करें तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था गुजरात में कौन सा हुआ था दोस्तों सौराष्ट्र तो ये हो जाएगा आपका सेकंड महाराष्ट्र विदर्भ और पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा आसम में हो जाएगा ये तो पहले का दूसरा केवल यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है तो बस आप इसको लगा दीजिए राइट आंसर ये ऑप्शन सी गोट इट चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का हिस्सा है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैधानिक प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है वॉट इज द मेन सोर्स ऑफ पोलिटिकल पावर इन इंडिया भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों राइट right आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किए गए हैं दोस्तों ये किए गए पांचवी अनुसूची में यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चलिए वेरी गुड 1964 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नाशपत्ती का कौन सा भाग खाया जाता है बिल्कुल गुद्देदार पुष्पासन दोस्तों खा जाता है यानी कि ऑप्शन आपका ए जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी पैदा करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस विटामिन डी फॉर बॉडी तो गाइज स्किन इसका सही आंसर रहेगा यानी कि त्वचा नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त और कितने देश अपना स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त को मनाते हैं तो देखिए दोस्तों पंद्रह अगस्त को भारत के अलावा पांच देश और हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन से देश है दोस्तों साउथ कोरिया है ठीक है और बरीन है कोंगो है और कौन सा है नॉर्थ कोरिया है एक और है हाँ लिंकेटिस्टीन नाम का एक देश है तो ये पांच देश हैं और छठा अपना भारत नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीत उत्सव 2018 किस स्थान पर मनाया गया बिल्कुल दोस्तों ये मनाया गया इंडिया में यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट है अमोनो की मृत्यु 18 जुलाई उन्नीस दो हजार उन्नीस को हुई थी वह किस संगठन से संबंधित थी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एबल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे ठीक है ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट है मलेरिया का टीका विश्व के विश्व में सबसे पहले किसने लॉन्च किया तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलावे यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा दिल्ली में स्थित है तो गैज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुमान एंड निकोबार यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कटक और मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महानदी और रामगंगा यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था तो भारत में सबसे पहले दोस्तों कर लगाया था औरंगजेब ने यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है पंचतंत्र के दौरान लिखा गया था पंचतंत्र दोस्तों किस के दौरान लिखा गया था तो मौर्य पीरियड में यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेक मिचिगन यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात की झील के बीच स्थित है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेक इरी ऑन्टेरियो लेक यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा चलें नेक्स्ट एंग्लो इंडिया के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है स्पेशल प्रोविजन टू एंग्लो इंडियंस इन गिवन अंडर विच आर्टिकल तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो गईज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल तीन सौ छत्तीस रहेगा दोस्तों और वो ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सिंहासन के लिए जागीर कब सफल हुआ था इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 605 सौ में यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके नाम थे गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड चलिए नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के तहत खालिस्थान के तहत स्थापित किया गया था हमारे देश का दो दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट है वह सेटअप अंडर रेगुलेटिंग एक्ट तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी तो सुप्रीम कोर्ट व सेटअप अंडर रेगुलेटिंग एक्ट चलिए और ये देखिए एक बार ये भी मैं बता देता हूँ फोर्ट uh, विलियम कलकत्ता में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सत्रह से uh, में हुई थी और ये आपको याद रखना है कब हुई थी दोस्तों सेवेंटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट है दोस्तों सेंट्रल प्रोविनेस और बरार को अब जाना जाता है किस नाम से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है दे इज द बिग सिटी ऑफ इंडिया बुल्ड ऑन एन आइसलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंबई करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने महाअभियोग लाने की असफल कोशिश की थी तो सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने महाअभियोग लाने की असफल कोशिश की थी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जस्टिस रामास्वामी यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा ठीक है डी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान ने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया सबसे पहली गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर जाना स्टार्ट हो गया है बहुत ही बढ़िया मोरारजी देसाई दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिए फॉर ऑल अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं स्टडी टेन आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अनएकेडमी प्लस पे और चाहे आप किसी भी एजुकेटर को देखना चाहते हैं आपको रेफरल कोड स्टडी टेन ही यूज करना है इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है देख लीजिएगा अठारहवीं सदी में भारत ने लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कलानुक्रम कौन सा है जल्दी से बताइए बिल्कुल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं सही आंसर आपका हो जाएगा देखिए सबसे पहले अंबर युद्ध ठीक है फिर आपका अंबर युद्ध के बाद प्लासी युद्ध और आ, हाँ ये सही है फिर वाणी वासा का युद्ध होगा फिर बक्सर का युद्ध है तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ फिर प्लासी फिर आ, आपका वाण्डी और उसके बाद बक्सर युद्ध हुआ तो इसको आप जरूर याद रखेगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य मंडलों द्वारा पारित सभी मनी बिल की सहमति की आवश्यकता होती है तो जल्दी बताइए ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल मनी बिल्स पासड बाय स्टेट लेजिस्ल रिक्वायर कंसेंट ऑफ इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर डन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सर्वोच्च पद एक आई अधिकारी खालिस्तान के लिए कमान कर सकता है वॉट इज द राइट आंसर गाइज बिल्कुल सही है कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राल फिच यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा राल फिच इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राणी को हरे सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आपने पे किया है एकल जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है ये इसका सही आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है right दोस्तों 1977 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती गांधी को किसने हराया था जल्दी बताइए फटाफट बिल्कुल राज नारायण दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रीटी सापेल की संधि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है भारतीय सॉरी भारत की संविधान सभा के एक सदस्य मास्को में भारत के पहले राजदूत और ऑक्सफोर्ड में पूर्वी धर्म के एमरेट्स प्रोफेसर यह विवाद मुख्य रूप से फिट बैठता है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस आ, डॉक्टर एस राधाकृष्ण यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा वेरी गुड अगला क्वेश्चन है मुक्त तो भारत के मंत्रियों की पहली केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा खालिस्तान कैबिनेट मंत्री शामिल थे इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन बी थर्टीन ठीक है थर्टीन कैबिनेट मंत्री शामिल थे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वाधिक धन के व्यय को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय संसद यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो यह आपको याद रखना है वेरी गुड भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है कितनी बार तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों एक बार किया गया है ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों वो बहुत ही फेमस है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है फोर्टी सेकेंड बयालीसवा संविधान संशोधन सेवेंटी सिक्स में यह किया गया था अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल निमांकित में किसके लिए समर्पित है जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है इट वॉज बुल्ड इन नाइनटीन सेवेंटी इन ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद हु एनलाइटमेंट ऑन द Rock। अगला क्वेश्चन है लाइजेज फेयर के सिद्धांत का आविष्कार किया था दोस्तों किसने किया था एडम स्मिथ ने यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा ये दोस्तों याद रखना है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट है सुश्री सुजाता वात मनोहर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खालिस्थान न्यायाधीश थी तो ये दोस्तों सेकंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन है संवाद कोमुदी पत्र के संपादक थे इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा राम मोहन राय यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर 12 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है गुलजारी लाल नंदा यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ही फॉर टू शोर्ट पीडियड नाइनटीन सिक्सटी फोर एंड नाइनटीन सिक्सटी सिक्स अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन खालिस्तान अनुसूची में निर्देशित तो दोस्तों कौन से शेड्यूल में या सेकंड शेड्यूल में तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी इन विच सिटी वार द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बॉम्बे संशोधन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों कौन सी भाषा सिंधी भाषा ठीक है तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा और ये कब हुआ था दोस्तों 1967 में इक्कीसवा जो संविधान संशोधन था ये 1967 में किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निवारक निरोध केवल एक सलाहकार बोर्ड की अनुशासन पर आदेशित किया जा सकता है जिसका अध्यक्ष खालिस्तान का न्यायाधीश होगा राइट आंसर बताइए बिल्कुल सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन आता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है उड़ीसा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य का नया नाम खालिस्तान लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम को यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में कब आई थी तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर तीन उन्नीस सौ इक्यावन में यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आता है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दादा भाई नेहरू यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन है प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीए संगनामा यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है अक्टूबर उन्नीस में घोषित पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक चला, तक चला यह आपको बताना है फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन अक्टूबर 1962 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1968। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर उन्नीस वर्ष कर दी गई थी कब लागू हुआ था इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा एटीन सेवनटी एट एडी यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा वेरी गुड अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकार द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आरटीआई अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में सूचना के अधिकार के निपटान का समय है तो यह समय दोस्तों आपका थर्टी डेज का है तीस दिन का यानी कि ऑप्शन आपका ए यहां पे राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन पंथियों में नहीं थे निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था दोस्तों वाज पंजाब वाज स्प्लिट अप इनटू पंजाब एंड हरियाणा किस वर्ष में बिल्कुल सही आपने कर दिया है आंसर बिल्कुल देखिए दोस्तों ये भाषा के आधार पर हुआ था एक नवंबर 1966 में यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हिंदी बोलने वालों को यहाँ पे हरियाणा मिल गया था और पंजाबी बोलने वालों को पंजाब चले भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरे वाह बिल्कुल सही है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यार एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जितने भी हैं बाकी देखिए आर्टिकल की बात की जाए तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है अटोर्नी जनरल और ये किस आर्टिकल में आता है दोस्तों आर्टिकल सेवेंटी सिक्स में कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है तो इसलिए याद रखेगा अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ने यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा वेरी गुड अगला क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से आता है तो ये आता है दोस्तों समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट बन जाएगा राइट right आंसर और ये आर्टिकल 266 में आता है दोस्तों 266 आर्टिकल 266 सिक्स वन में अगला क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रेट जारी किया जा सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हे कॉर्पस ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर ठीक है पांच रिट्स होती हैं आप सभी को ये पता ही होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं बदरुद्दीन तैयब जी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है और बदरुद्दीन तैयब वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बारिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ने ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला है जिले के भीतर आपराधिक अदालतों के प्रमुख हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा ठीक है चलिए वेरी गुड अगला क्वेश्चन है संसद को छोड़कर सभी को हटाए जाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था दोस्तों ये लाया गया था आपका 1963 में तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेरी गुड अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा लोड कर्जन यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है भाई चलिए अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा कितनी बार आ, कितनी बार पारित किए गए गैर धन विधेयक को वापस कर सकता है केवल दोस्तों एक बार यानी कि वंस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है संसद या राज्य विधानमंडल के लिए एक सिट रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई संसदीय सत्रों की अनुमति के बिना सभ्य अनुपस्थित रहता है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सिक्सटी डेज यानी कि साठ दिन के लिए ठीक है तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में स्थापित सॉरी उपस्थित नहीं थे तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है जितने भी स्टूडेंट यहां पे आंसर कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा तो ये आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार छह साल तक बढ़ाया गया दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और जल्दी से आप इसका आंसर भी बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल केवल एक बार ठीक है तो वंस इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको याद रखना है तो कब बढ़ाया गया था दोस्तों फर्स्ट सिटिंग ऑफ द फिफ्थ लोकसभा 1971 में ठीक है और ये पांचवी लोकसभा थी दोस्तों ठीक है यह आपको जरूर याद रखना है अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था तो यह भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा वेरी गुड ठीक है में में दोस्तों 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रतियोगी परीक्षा को मंजूरी दे दी लेकिन उनकी सही उम्र पर विवाद के कारण रोक लगा दी गई थी नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा क्षेत्र है तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख राइट आंसर सी तो यह आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन आता है यदि किसी राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनके त्याग पत्र को संबोधित किया जाना चाहिए आंसर बताइए क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तों डिप्टी स्पीकर इसका सही आंसर रहेगा ठीक है इसको करेक्ट कर लेना डिप्टी स्पीकर इज द राइट आंसर वेरी गुड अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा <coughs> तो गैज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है भारतीय भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज तो प्राकलन समिति इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकारी सॉरी सरकार की व्यय की नियमितता और अर्थव्यवस्था से संबंधित है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक लेखा समिति इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित संसदीय समितियों में से कौन सा विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर वाचडोक के रूप में कार्य करता है Guys, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा भेजता है जल्दी से आंसर बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा भेजता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राइट आंसर ऑप्शन है देखिए उत्तर प्रदेश हैज थर्टी वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स राज्यसभा की इकतीस सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में से अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा सचिवालय की देखरेख में आता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स आता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल इज द राइट आंसर ठीक है चलिए कला अनुक्रमी क्रम में भारत के राष्ट्रपतियों के निम्नलिखित नाम रखें दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला तीसरा और दूसरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है राष्ट्रपति निम्नलिखित को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है तो राज्यसभा के सभापति को छोड़कर यानी कि right राइट आंसर आपको ऑप्शन डी बन जाएगा भाई ठीक है तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी में यानी कि